हमारे देश की लगभग दो तिहाई जनता के लिए खेती ही जीने का साधन है और खेती देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है। कहा जा सकता है अगर किसान जिएगा तो भारत जिएगा। सरकार खेती के विकास को बहुत महत्व देती है, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाती है। खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। खेती से जुड़ी कई तरह की मुसीबतों से जूझते किसानों की मदद करने के लिए सरकार किसानों को हर तरह की सहूलियतें देने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोशिशें, ये योजनाएं किसानों तक पहुंच पाती हैं? जब भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष को ज्यादा महत्व दिया जाता है तभी वहां ऐसी किसी भी कोशिश का नाजायज फायदा उठाने वाले गिद्ध मंडराने लगते हैं। ऐसे गिद्ध जो गरीबों के हिस्से का टुकड़ा छीन कर अपने लालच की भूख मिटाने के लिए तैयार रहते हैं। ये आपका सब्जी भाजी बोले थे, चाय बोले थे आप? मैं कमेंट सर। आओ कपिल। कपिल, ये कुछ लोन की अर्जियां हैं, मैंने जांच कर ली है, इन्हें पास करके लोन बांट दो। सर एक बार लोन डिपार्टमेंट को भी ये सारे पेपर्स दिखा लेते। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने हर केस ध्यान से देखा है। यू मे गो। हेलो, नमस्ते मित्तल जी, हरीश बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते गोयल जी, कैसे हो? मेहरबानी है आपकी, ये बताने के लिए फोन किए है कि हम गांव वालों से उस नई योजना के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हर किसान को सिर्फ दो भैंसों की कीमत तक की रकम का ही लोन मिलेगा। जी जी समझ गए, बस याद दिलाने के लिए फोन किए थे, अब रखते हैं। अरे लक्ष्मण, लक्ष्मी जी क्या खबर लाए हो? सत्यनारायण जी, राकेश जी, राम राम। एक खुशखबरी है, बैंक वाले नई स्कीम लाए हैं किसानों को भैंस दिलाने की। कल हरीश बाबू सभी को अपने घर बुलाएं, वो स्कीम की वहीं पर घोषणा करेंगे। गांव वालों को तो हमने बता दिया, सोचा आप लोग खेत में होंगे तो हम चले आए बताने आप लोगों को। एक भैंस के लिए 30,000 तक का कर्जा बैंक देगी और एक किसान दो भैंस के लिए अर्जी कर सकता है, तो कुल मिलाकर हुए 60,000। ठीक, मगर एक किसान को दो भैंसन से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कर्जा हमको वापस कब करना होगा? अरे भाई कोई जल्दी नहीं है, है? आप लोग तो जानते ही है कि सरकार किसानों को कर्जा अदा करने के लिए काफी वक्त देती है, तो बैंक के हिसाब से एक साल या उससे थोड़ा ज्यादा उतनी राहत तो मिल ही जाएगी, और उसके बाद ही किस्तें शुरू होंगी, आराम से लौटाते रहना। बताइए, ऐसा मौका बार बार मिलता है का? सुनो, सब लोग ठीक से सोच लो, परसों से हम कागजात लेना शुरू कर देंगे। जिस किसी को भी ठीक लगे आ जाना और फार्म भर देना, उसके बाद हफ्ते भर में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे और भैंस आपके घर में। ठीक है? मौका तो अच्छा है, तुम क्या कहते हो? हाँ बाबू जी, घर में दूध आ जाएगा और जो दूध बचा वो डेयरी में बेच देंगे तो कुछ पैसा रुपया भी आ जाएगा। काम माँ, हमको तो लगता है
फार्म भरी दे तो अच्छा है। शारदा, तुम अंजलि और परमिला के साथ मिलकर भैसन का ध्यान रख लोगी ना? हाँ बाबूजी, पीछे चौबारे पे जगह बना लेगी भैसन के लिए। अम्मा, मैं और प्रमिला मिलके सब पाल लेंगे। साफ सफाई और दूध निकालने का काम हम ही कर लेंगे। सुभाष स्कूल से आवेगा ना तो संभाल लेगा, यही बहाने घर का कुछ काम सीख जाएगा। काहे सुभद्रा? बहुजी, स्कूल तो शाम को छुटे थे। अरे तो तू कौन सा पौ फटते उठ जाता है, सवेरे सवेरे कर लेना। इलाट साहब, सुबह 8 बजे से पहले कहूँ बिस्तर छोड़ा थे। अब भैंसी आवेगी ना तो खूटा से ना गोर से बांध देंगे, दो लात मारेगी उठ जाएगा। अरे अम्मा, घर में मवेशी होंगे तो 4 पैसे आएंगे, हर वक्त खेत से आस लगाए भी तो नहीं बैठ सकते ना। देर सवेर जानवर ही काम आते हैं मुश्किल वक्त में। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, हमको तो ये सब बात समझ में नहीं आवत है। ज्यादातर गांव वाले किसान थे, उन्हें तो ये खुद भगवान का भेजा हुआ मौका लग रहा था। एक ऐसा लोन जो सभी के लिए फायदे का था और जिसे वो अपनी सहूलियत से चुका सकते थे। सभी ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। अरे जयंत, देखा, अरे खेती कितना बीघा है वो तो लिख फार्म पर। कितना लिखेगा भैया? अब लो, हमें क्या पता कितना बड़ा खेत है तुम्हारा, जितना बड़ा है उतना लिख दो। लक्ष्मण, सुन तो, जरा मदद कर इसकी। यहाँ पर यहाँ एक फोटो और यहाँ पे दस्तखत कर दे। ओ, अंगूठा लगाए? ठीक है, यहाँ अंगूठा लगा दे, बाकी हम भर देते। ना अर्जुन, ये कापी बराबर नहीं है, मुंह कितना काला आया है तुम्हारा। अरे प्रदीप, ये तो पैसा जमा करने की पर्ची है, पैसा निकालने की पर्ची कहाँ है? अरे हरीश भैया, आप बता दो कि इसमें तो कौन सी पर्ची लगेगी। हाँ, ये रही पैसा निकालने की पर्ची। अरे भाई सुनो, हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की दो दो पर्चियां लगेंगी, और वो भी फार्म के ऊपर। क्या बेवकूफी है, अरे बोल बोल के थक गए, पैसा निकालने की पर्ची ऊपर लगानी है। ये ऐसे ठीक है, जाओ। हाँ भाई, सब लोगों के कागजात तो आ गए, अब आप लोग फुर्सत से बैठ जाओ, हफ्ते भर में तो खुशखबरी आ जाएगी, दूध की गंगा बहेगी हर एक के घर में। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। आपके लिए रोटी भाजी, आपको चचा शंभू, एक आलू मटर, एक दाल तड़का, दो रोटी। नमस्ते भौजी। नमस्ते। हरीश भैया घर पे हैं? हाँ, बुलाती हूँ। देखो अर्जुन, पैसा अपनी जेब में धरे तो नहीं बैठे हैं ना, जैसे ही बैंक कर्जा देने को राजी हो जाएगी पैसा आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले तुम लोगों को ही तो खबर करेंगे ना। ठीक है? ठीक है रिश भैया। हरीश बाबू, 2 हफ्ता हो गया, आप तो कहे थे कि बैंक एक ही हफ्ता में कर्जा दे देगी। देखो अजय, अब बैंक है, हमारे बाबूजी की तिजोरी तो है नहीं, वैसे भी सरकारी कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना, पर ये सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई। भाई हम तो पहले ही कह चुके, इधर कर्जे का पैसा आया उधर फौरन हम आपको खबर कर देंगे। ठीक है हरीश बाबू।
अब महीना भर तो हो ही गया। हरीश बाबू से भी पूछ पूछ के हार गए हैं। जब पूछो हर बार एक ही जवाब दे के टरकाए देते हैं कि और वक्त लगेगा, जबकि एक ही हफ्ते की बात हुई थी। हमको लगा था कागज पत्तर में कोनो गड़बड़ी ना हो गई हो, नहीं तो काहे लगता इतना वक्त। पर भैया, हरीश भैया ने एक एक फार्म देखा था, उन्होंने जैसा बोला था हमने तो वैसा ही किया था ना। अब कहाँ मालूम भैया, कर्जा तो अभी तक आया नहीं, अब पूछे के अलावा क्या कर सकते हैं भाई। हम तो कहते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो भैंसी मिलेगी, ना तो ना सही। अरे हमरे पीछे हाथ धो के काहे पड़े हो भाई, हम कोई बैंक थोड़ी ना है जो कर्जा देंगे। नहीं हरीश बाबू, वो बात नहीं है, दरअसल 2 महीना से ज्यादा हो गया है, तो हम सोचे कि एक बार पूछ लें कि क्या दिक्कत है। सुनो अजय, कागज पत्थर का मामला है, कुछ कमी हो गई होगी। चल बैंक मैनेजर से तुम खुद ही बात कर लो। नमस्ते मित्तल साहब। अरे अब क्या बताएं, इन गांव वालों को लोन के लिए मदद करने की कोशिश किए थे, अब ये सब हमारी जान के पीछे ही पड़े हुए। अब लोन मिलने में दिक्कत हो रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है बताओ। हमारे पास वो अजय चौहान आया हुआ है, किसान का बेटा है जिसने अर्जी की थी। हाँ उसे फोन दो। नमस्ते साहब। अजय, दरअसल तुम्हारे पेपर्स में गड़बड़ थी, तुम्हारे ही नहीं बहुत सारे गांव वालों ने अलग अलग पेपर्स दिए हैं। का गड़बड़ी साहब? सब पेपर्स में अलग अलग खामियां हैं, अभी तुम्हें फोन पे क्या क्या बताऊं, इसीलिए तुम्हें लोन नहीं मिला है। दिल छोटा मत करो, आगे बहुत सारे स्कीम्स आएंगे, वापिस अप्लाई कर देना, ठीक है? हो गई तसल्ली, बता दिया मैनेजर साहब ने। कोनो बात नहीं बाबूजी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, अब हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, सब अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। हाँ वो तो है, सारे गांव वालों ने अपने घरों में भैंस बांधने का सपना देखे थे, अब जो अपने किस्मतें में नहीं है तो कैसे होता। अब देखते हैं आगे कुछ आता है तो। महीने बीते, बरसों बीते, बात आई गई हो गई, लोन के लिए आई स्कीम की बात को सब भूल गए थे। सारे किसान अपने सपने भुलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन 4 साल बाद 2010 में वो लोन जो उन्हें कभी मिला ही नहीं था अचानक उनकी जिंदगी में दस्तक बनकर लौटा, और ऐसा लौटा कि उनमें से बहुत से लोगों को बर्बाद कर गया। अजय चौहान ये रहता है? हाँ, वो हमारा बेटा है। ये नोटिस है उसके लिए। नोटिस? काहे का नोटिस? 2 हफ्ते में कर्जा चुकाना शुरू नहीं किया ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। हम बैंक के वसूली एजेंट हैं, अगर अगले 15 दिनों में सूद के साथ कर्जा चुकाना शुरू नहीं किए ना, तो कानूनन हम तुम्हारी जमीन छीन सकते हैं, या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समझी ना? ये सब का है? कौन सा कर्जा, कैसा कर्जा? अच्छा का कह रहे थे वो लोग? बोलत रहे थे कि कर्जा नहीं चुका है तो जमीन छीन लेंगे। अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे, उनके बाप का राजा का। अरे जब हमने कोनो कर्जा लिया ही नहीं तो फिर काहे की धमकी और काहे की जबरदस्ती? का हुआ बाबूजी, कैसा नोटिस आया है? पता नहीं का है। बैंक से 3 लाख रुपया का कर्जा लिया गया है,
जो 2009 में चुकाना शुरू करना था और अब तक इसका ब्याज 51,525 रुपया हो गया है। अगर 15 दिन के भीतर कर्जे का भरपाई करना शुरू नहीं किए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अजय बेटा ही भी पढ़ जा रहा, क्या लिखा है इसमें? अजय बेटा देखा जरा क्या लिखा है। अजय क्या लिखा है इसमें? अजय बेटा ये पढ़ा, इस कागजवा में क्या लिखा है? अजय बेटा देखा है इसमें लिखा है सत्यनारायण काका के नाम पे 3 लाख रुपया का कर्जा है। राकेश चाचा आपके नाम पे 4 लाख रुपया का कर्जा है। राहुल तुम्हारे नाम पे 3 लाख का कर्जा और अर्जुन चाचा आपके नाम पे भी 3 लाख का कर्जा और जयंत काका हाँ और प्रदीप काका आप लोगों के नाम पे 4-4 लाख का कर्जा है। लेकिन बेटा हमने तो कभी कोई कर्जा लिया ही नहीं, इतनी बड़ी रकम बैंक से उठाते तो कहा हमें पता ना रहता। उन लोगों से जरूर कोनो गलती हुई होगी। गलती उन लोगों से ही हुआ है और इधर आके हम लोगों को धमकाए जा रहे हैं दबंगई दिखा के कि छीन लेंगे खेत जमीन जब्त कर लेंगे, कहा है सब? हाँ, ये कह रहे थे वो लोग। अरे बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे वो लोग, कह रहे थे कि वसूली वाले है। उमा से दुई के पास बंदूकों रही। बाऊजी एक काम करते हैं, हम लोग सुजीत बाबू के पास चलते हैं, वो वकील है, वह बताएंगे ये सब का है। चलिए आइए प्रदीप काका, चलिए। ये तो बैंक का नोटिस है, तुम लोगों का नाम लिखे हैं यहाँ, घर का पते भी दिए हैं। तुम लोग सच कह रहे हो कि तुम लोगों ने कर्जे नहीं लिए हैं? हाँ सुजीत बाबू, और इतनी बड़ी रकम हमको देगा कौन? सुजीत बाबू हमने कब लिया है कर्जा? ये देखो इसमें लिखा है कि 2006 में कर्जे मिले हैं, अब हो गया 2010 यानी 4 साल पहले, और लिखा है कि सरकार ने कर्जा चुकाने के लिए 3 साल की छूट दी थी और पिछले साल यानी 2009 में कर्जे की भरपाई शुरू करनी थी। 2006 हाँ सुजीत बाबू, 2006 में सरकार ने एक योजना चलाई थी जो हरीश बाबू लेके आए थे बैंक से, और उसमें भी 30 या 60 हजार रुपए तक ही मिलने वाले थे, और बाद में तो वो कर्जा भी हम लोगों को नहीं मिला। ये हरीश कौन? वो हरीश गोयल जी 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 जी, जी। हाँ तो एक काम करो उसे से जाके पूछ लो, हो सकता है बैंक से कुछ गलती हुई हो, है ना? चलो चलो। ये कहाँ चला गया? चल के लक्ष्मण से पूछते हैं, वो हरीश बाबू का बहुत काम करता फिरता है। चलो चलो। लक्ष्मण हरीश बाबू कहाँ है? वो तो हफ्ता भर पहले कहीं चले गए, कहाँ गए पता नहीं, पर क्या हुआ का? लक्ष्मण कुछ पता है वो कब तक लौटेंगे? ये देख नोटिस आया है बैंक से कर्जा लौटाने का, जबकि हम में से किसी ने कोई कर्जा लिया ही नहीं। अभी कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है, भारी भरकम कर्जा है, किसी को 3 लाख किसी को 4 लाख, और बैंक की वसूली करने वाले लोग आ रहे हैं, वो सब चील कौओं की तरह से हमारे सर पे मंडरा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे खेत छीन लेंगे जमीन जब्त कर लेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ भैया, हरीश बाबू पता नहीं कहाँ गए, हमको कुछ बता के नहीं गए।
बैठे बिठाए कौन सी सनी की छाया सर पे आ गई। दुई निवाला खा लो, अपने आप को सुखा के तो कुछ हल ना निकलने वाला। निवाला मुंह में जाए कैसे शारदा? निवाला छीनने वाले तो तैयार बैठे हैं, खेत घर बार सब छीन लेंगे हमारे, हर बर्बाद हो जाएंगे हम। अरे ऐसे ही है, परेशानी कम थी का, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है, अब तो खेत भी छिन जाएगा और छत भी। जो पैसा लिया नहीं वो चुकाए कैसे? के सबके खाते तो है ना बैंक में, है? नोटिस भी वहीं से आया है, तो तुम लोग सब वहां जाकर एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? देखो वहां जाके किससे क्या गलती हुई है, ऐसे सर पकड़ के बैठने से थोड़े हल निकलेगा। ये नोटिस हमारे बैंक का ही है, शहर की हेड ब्रांच से भेजा गया है। पर मैनेजर साहब, हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है, तो ये नोटिस कैसा है? तो कर्जा हमें कौन देगा साहब? देखो तुम लोग कितनी भी बातें बना लो, मैंने खुद तुम लोगों के रिकॉर्ड चेक किए और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये नोटिस तुम लोगों को भेजा गया है। कर्जा ले लिया तुम लोगों ने, पैसा पचा लिया और अब वापस करने के नाम पर मुकर रहे हो। साल 2006 में तुम लोगों को कर्जा मिला था, सुधीर मित्तल थे तब यहाँ के मैनेजर, याद आया कुछ? और जब कर्जा चुकाने का वक्त आया तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग रोना धोना कर रहे हो। साहब हम लोग सच बोल रहे हैं, हमको कर्जा मिला ही नहीं। हाँ साहब, हम छोटे किसान हैं, कोई मालदार लोग तो है नहीं, हम कहाँ करेंगे इतना पैसा का। देखो इधर उधर बात घुमा फिरा के करना बंद करो, कर्जा लिया है तुम लोगों ने और ये बात हमारे वसूली डिपार्टमेंट में चली गई है। तुम लोगों ने कर्जा लेते समय जो जमीन गिरवी रखी थी जब्त हो जाएगी वो, और अगर नहीं तो फिर मामला जाएगा सीधा कोर्ट में, उसके बाद खेत खलियान घर बार सब बिक जाएगा, इसीलिए अच्छा होगा चुपचाप कर्जा वापस लौटा दो। नहीं नहीं साहब, कोई बड़ी गलती हुई है, हमने कोई कर्जा लिया ही नहीं है। गलती वलती कुछ नहीं हुई है, एक चीज है जिसमें मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। हाँ साहब, आप आई मदद कीजिए ना। देखो मैं तुम लोगों का कर्जा तो माफ़ करवा नहीं सकता, लेकिन हाँ पिछले साल का ब्याज माफ़ करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो तुम लोगों के ब्याज की रकम बहुत ज़्यादा है, तुम लोग सब मिलकर मुझे 15,000 रुपया दो तो मैं तुम लोगों का ब्याज माफ़ करवा दूंगा, लेकिन हाँ कर्जा तुम लोगों को फिर भी चुकाना पड़ेगा। पहले उस हरीश गोयल ने हम लोगों को लूटा और अब ये बैंक मैनेजर भी गरीब के पेट पे छुरी चला रहा है, रिश्वतखोर। इतना पैसा कहाँ से आएगा, घर बार बेच के भी इतना पैसा ना हो पाएगा भैया। अब क्या करें, हम किसके पास जाएं? अंजलि थोड़ा दौड़ के जा, देख दवाखाने में डॉक्टर साहब है का, तेरे बाबूजी का बुखार तो उतरे नहीं रहा है। जी अजय जी,
अजय देखो एक काम करो, सबके पास बैंक की पासबुक तो होगी ना, जिन जिन के नाम नोटिस आया है उनके खाते तो है ना बैंक में। हाँ सुजीत बाबू, सारे गांव वालों का खाता है उसी बैंक में। हाँ तो सबका लोन का पैसा वहीं आया होगा, तुम लोग समय समय पर पासबुक में एंट्री करवाते हो ना। सुजीत बाबू, हम लोगों को खेत की उपज का सारा पैसा ठेकेदार से सीधे सीधे मिल जाता है, वो भी नगद में, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, यानी काफी अरसे से तुम लोगों ने अपनी पासबुक अपडेट नहीं करवाई है। एक काम करो, बैंक में जाकर अपने अपनी पासबुक पे एंट्री करवा के लाओ। इससे ये साबित हो जाएगा कि अगर खाते में लोन का पैसा आया ही नहीं है तो काहे का कर्जा और काहे का सूद। अब देखो एक यही तरीका है मामला सुलझाने का। सुजीत बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों के खाता में पैसा आया और कब आया हमें पता ही नहीं चला। पैसा आया भी है और निकाल भी लिया गया है, वो भी कर्जा आने के 3 दिन के अंदर। अजय देखो सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने कर्जा उठा लिया है और अब चुकाने से बचने के लिए सब नाटक कर रहे हो? सुजीत बाबू, हम सच बोल रहे हैं, हम गरीब लोग हैं लेकिन सच्चे लोग हैं। ये झूठ मकारी का पैसा हमसे हजम नहीं होगा। तुमने नहीं तो किसी ने तो लूटा है बैंक को, इतनी बड़ी बड़ी रकम, जिसका खाता है उसकी विड्रावल स्लिप और साइन के बगैर कोई कैसे निकाल सकता है? हाँ, ये रही पैसा निकालने की पर्ची। अरे भाई सुनो, हर फार्म के साथ ऐसी बैंक से पैसा निकालने की दो दो पर्चियां लगेंगी और वो भी फार्म के ऊपर। सुजीत बाबू, ये सब उस हरामखोर हरीश गोयल का किया हुआ है, उसी ने हमें कर्जा दिलाने के लिए हमसे दो दो पर्चियां ली थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम लोगों ने 30 या 60 हजार का कर्जा लेने के लिए अर्जी दी थी और लोन अमाउंट मंजूर भी नहीं हुआ था। हाँ, पर पैसे निकलवाने के लिए पर्चियां उसी ने ली थी, लूट के चला गया हम लोगों को, सबको छीन लिया हम लोगों से। बुरे फंसे हो तुम लोग अजय, कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिखता, क्योंकि पासबुक के हिसाब से कर्जा खाते में आया था और पैसा निकाल भी लिया गया। अब अगर ये काम हरीश ने किया है तो भी साबित करने के लिए कुछ तो सबूत चाहिए ना, इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब इस मसले पर कोई कुछ ठीक से बता सकता है तो वो है बैंक का उस समय का मैनेजर सुधीर मित्तल। सुजीत बाबू, अब आप ही बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। हम कहेंगे पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाओ, हो सकता है हरीश को ढूंढने में वो मदद कर पाए, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात का तो पता लगा सकें कि सुधीर मित्तल इस वक्त कौन से ब्रांच में नौकरी कर रहा है, उससे बात करके देखो, देखो शायद कोई रास्ता निकला है। मुझे नहीं पता सुधीर मित्तल अब कहाँ है, साल 2007 में उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया था, अब तक तो वो रिटायर भी हो चुके होंगे। सीधे साधे लोग हैं साहब, हम लोगों का गलत फायदा उठाया हरीश गोयल ने, पूरी तरह फंसा दिया है। तुम्हारे दुखड़े में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तुम लोगों ने बैंक से लोन लिया है उसे वापस करने पर ध्यान दो,
तुम लोगों को पिछले साल का ब्याज माफ करने का तरीका मैंने बताया है ना, मुझे पैसा दो मैं ब्याज माफ कर दूंगा। गरीब लोग हैं साहब, हमारी कहां इतनी औकात कि हम वो कर्जा चुकाएं जो हमने लिया ही नहीं है। तुम्हारे दुखड़े की जितनी भी बांसुरी बजाना बजा लो, कुछ होने वाला नहीं है। आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। भाई सत्यनारायण के तबीयत तो एकदम बिगड़ते जा रहा है। और वो वसूली एजेंट कह रहा है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी, हर तरफ अंधेर मचा है भैया। सुजीत बाबू का कहना है कि हम सब लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। अब वह एक तरीका है उस हरामखोर हरीश गोयल तक पहुंचने का। एकदम सही कह रहे हो बेटा, न जाने कहां भाग के चला गया ये गाँव छोड़ के, और हम लोगों को नरक की भट्टी में झोंक दिया। भैया भैया वो बाबूजी की हालत बहुत ही खराब है, आप सब जल्दी चलिए। काका खाली बेहोश हुए हैं, इनका सांस चल रहा है। अरे इनको तुरंत लेकर अस्पताल चलना चाहिए। प्रकाश जरा देख, कोई ट्रैक्टर का बंदोबस्त हो जाए, जा जल्दी जा। हाँ, इन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा है, अब हालत ठीक है, मगर हमें इन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। डॉक्टर साहब काका ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए इनकी हालत का असली अंदाजा अगले 48 घंटों में ही मिल पाएगा। एक्सक्यूज मी। इससे पहले जी का जंजाल हम सबके सर पे आए, हम लोग को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देना चाहिए। समस्या का कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हम सबके जान पे आ बनेगी। साहब रोज वो वसूली वाले हम गांव वालों को तंग कर रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है हम लोगों का। हाँ साहब, यही कारण से हमारे किसान भाई सत्यनारायण जी को दिल का दौरा पड़ गया है, अभी तलक अस्पताल में है। देखो तुम लोग जो भी कहो, लेकिन मैं आंखें मूंद कर तुम लोगों की बातों का भरोसा कैसे कर लूं? तुम लोग कुछ और बोल रहे हो, तुम्हारी ये पासबुक कुछ और। हम लोग भी वही बात आपको बता रहे हैं, हरीश गोयल जो है ये सब उसी का किया धरा है, उसी ने हम गांव वालों को लूटा और उसके बाद गांव छोड़ के पता ना कहां भाग गया। और 4 साल लग गए तुम लोगों को ये पता लगाने में कि कोई तुम्हारे नाम से पैसे लेकर भाग गया। देखो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो भी कानूनी तौर पर तुम लोगों के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है, और कोई भी इस मामले में बैंक की तरफदारी करेगा। उनका पैसा गया है तो वसूली तो होगी ना, और अपना पैसा मांगने से किसी को कौन रोक सकता है। और क्या शिकायत लिखूं मैं तुम लोगों की कि हरीश तुम लोगों को लूटकर भाग गया? और किस सबूत पे लिखूंगा मैं ये? ये तो तुम लोग बोल रहे हो कि उसने तुम्हारे दस्तखत करवा के तुम लोगों से विड्रॉल स्लिप ली और तुम लोगों ने दे भी दी। सिर्फ कही सुनी बातों पर केस दर्ज नहीं होता है।
उनमें से एक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने पीछे एक बिलखता परिवार छोड़कर गुजर गया। बाकी लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। हर सबूत यही दिखा रहा था कि उन्होंने लोन लिया था और उनके अकाउंट से पैसा भी निकाला गया था। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उनका यह मानना था कि उसी गांव के एक धनी आदमी हरीश गोयल ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया था, लेकिन उनके पास ना हरीश के खिलाफ कोई सबूत था और ना हरीश का पता लग पा रहा था। जिस वक्त ये लोन बैंक की तरफ से पास होकर उनके अकाउंट में आया था, उस वक्त का बैंक मैनेजर सुधीर मित्तल भी नहीं मिल पा रहा था। सीधे साधे गांव वालों को बड़ी चतुराई से लूटा गया था, पर क्या इस मुसीबत से अब वो अपने आप को बचा सकेंगे? एक तरफ वो नया बैंक मैनेजर है जो उनके दावे की सच्चाई को जानने की बजाय उनके सूद को माफ करने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा है। दूसरी तरफ लोन वसूली एजेंट उन्हें दिन रात धमका रहे हैं, उनकी जमीन उनका घर छीन लेने का डर दिखा रहे हैं। अपनी इन मुश्किलों से घिरे ये गरीब गांव वाले क्या इन गिद्धों के शिकार बनने से बच पाएंगे? कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।